ये मैंने देखे इसमें 4 कैन डाल दिए हैं टमाटर के, और इसमें मैंने बस ऑयल डाला था। अब इसका पानी जो इसका है सारा वेपरेट करूँगी और इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी। तो ये आप किसी भी डिशेस में बनाने में आपको इजी हो जाता है। और कुछ चीज़ें, कुछ डिशेस ऐसी होती हैं कि आपको उसमें उसकी पेस्ट और इस तरह की प्यूरी टाइप की बना के करनी होती है, प्यूरी बनानी होती है, बनानी हो तो इसकी पेस्ट बना के उसको अच्छे से ब्लेंड कर ले तो वो पेस्ट फॉर्म में आ जाती है, तो प्यूरी बन जाती है। तो अगर थोड़ा सा उसमें केचप डाल दें अगर इस टाइप की आपने बनानी है तो, अदरवाइज़ ये ज़्यादा सिंपल अच्छा तरीका है और टमाटर ख़राब भी नहीं होते। अच्छा, और फ्रेश टमाटर के जो होते हैं, आप बहुत सारों ने मुझसे पूछा था कि इसका भी बनाने का तरीका बताएं, तो मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि मैं फ्रेश टमाटर सिर्फ सैलेड के लिए लाती हूँ, छोटे जो चेरी टमाटर होते हैं, अदरवाइज़ मैं बड़े टमाटर बहुत कम यूज़, बहुत इस तरह होते हैं तो मेरे हस्बैंड ले आते हैं, वरना हम कैन ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो सालों साल चलते हैं, आपको ख़राब नहीं होते, तो इसलिए वो ये इजी, सबसे इजी भी है। अच्छा, फ्रेश टमाटर जो लेकर आते हैं और उनको अगर प्यूरी बनानी है, उसका पेस्ट बनाना है, तो उसको जैसे ये टमाटर है उसमें ये देखें, ये क्रॉस में ऐसे हल्का सा से स्किन तक, डीप नहीं करना, लाइट सा उसको उसको क्रॉस बनाना है सब टमाटर को, और उसको आपने खोलते हुए पानी में डालना है 5 मिनट तक उसको आपने करना है। फिर उसको वाटर को ड्रेन करके और उसके स्किन आप स्किन ऑफ कर लेना है, ऐसे जब कट लगाओ तो इजीली वो उसका मुंह खुल जाएगा और वो स्किन ऑफ आप इजीली इसकी कर सकते हैं। अच्छा जी, और उसको मोटा मोटा ब्लेंड कर लें और उसको ऐसे ही जैसे मैंने किया है अभी ऑयल में डाल के ब्लेंड करके और ऑयल डाल के टमाटर डाल के और अच्छे से उसको पका ले, बिल्कुल जैसे पेस्ट फॉर्म बन जाएगी। तो आप उसको निकाल के ठंडा करके किसी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो आप उसको रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो उसको जब यूज़ करना हो फ़ौरन निकाला और आप उसको उसमें यूज़ कर सकते हैं। कभी ऐसी डिशेस होती हैं जैसे शोरबे वाला होता है, आलू आलू गोश्त होता है, तो इस तरह के टमाटर तो वो फिर प्रॉब्लम ही करते हैं, तो बेस्ट होता है कि उसको प्यूरी टाइप की बना के, और मैं मोस्टली जब बनाती हूँ तो मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ या ज़्यादातर इसी तरह का यूज़ करती हूँ, या फिर डिपेंड करता है आप क्या डिश बना रहे हैं। तो इसको इसी तरह पकाना है मैंने, इसकी पेस्ट जब बन जाएगी टमाटर की, तो ये मैंने 4 कैन लिए, तो मैं मुझे जितना उसमें चिकन जलफ्रेजी में मुझे यूज़ करना होगा तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ इसको बच जाएगा तो मैं उसको कंटेनर में डाल के, जार में या किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो नेक्स्ट टाइम मैं यूज़ कर सकूँ। और पिज़्ज़ा भी जब बनाते हो, पास्ता भी बनाते हो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसकी छेंडे बहुत उड़नी है तो इसको मैं सेंटर वाले उसमें चूल्हे पे रखती हूँ और हल्का सा उसको कवर करती हूँ, तो वरना मेरा सारा किचन गंदा हो जाएगा। चलिए, टमाटर की मेरी देखिए पेस्ट अच्छे से रेडी होगी, इसको मैं अलग से डालती हूँ, और ये थोड़ा ज़्यादा कोई बात नहीं, आपने सालन में वैसे भी डालना होता है। अच्छा, अगर आपको और इसको करना है तो इसको आप ग्राइंड करके इसको अच्छे से पेस्ट बना सकते हैं प्यूरी टाइप की, लेकिन मुझे इसी तरह का चाहिए क्योंकि चिकन जलफ्रेजी में और चिकन अचार में भी ऐसा ही चाहिए होता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही रख रही हूँ। चलिए, इसको मैं डालती हूँ कंटेनर में, बाकी चीज़ें फिर मैं रेडी करती हूँ।